हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी हलचल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटीएम से जो टिकट बुक है, रेल की टिकट बुक है, वो कैसे करते हैं। चलिए, हम पेटीएम पे अपना ओपन कर लेते हैं फ्लाइट वाला। फ्लाइट के जैसे ऑपरेट करेंगे, इसके बाद कहाँ से आपको कहाँ जाना है, इधर देखिए, एंटर कीजिए। मैं न्यू दिल्ली से मुंबई जाऊंगा, तो मैं न्यू दिल्ली इसमें क्लिक किया है, और मुंबई, और इसमें क्या है, अपने सेलेक्ट डेट करनी है। डेट पे सेलेक्ट कीजिए कौन सी डेट पे जाना है आपको, तो वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें 3 तारीख की सेलेक्ट किया है डेट, 3 जन 2019 को। और आपको कौन सा एसी वाला चाहिए, विदाउट एसी वाला चाहिए, जो भी आपको सूटेबल है उसमें से आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद आपके इसके फ्रंट पेज पे हर तरह की जो ट्रेन है वो आपको शो करेगी। इसमें जो आपकी मर्जी है, आपको कौन सी ट्रेन में जाना है, आपको कौन सी ट्रेन सूट करती है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। मैं जाना चाहता हूँ महाराष्ट्र संपर्क क्रांति, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद ओके का बटन आएगा, ओके कीजिए। इसके बाद आपको वेटिंग भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या है, इसमें आपको एडिट करके आपकी हिस्ट्री भरना है कि आपका नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, और कौन सी डेट को ट्रैवल करना है। इसमें आपको ईमेल आईडी वगैरह जो भी भरना है, इधर डिटेल भरनी है। तो इस तरह से आप इसमें ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ भर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपको बस कंफर्म करेंगे, इसके बाद मनी का आपको दिखाएगा कि मनी कितनी है, सारी चार्जेज वार्जेज, इसके बाद कंफर्म कर दीजिए। और पेमेंट पे जैसे कंफर्म करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप बैंक से लिंक है तो बैंक से कर सकते हैं, नहीं तो पासवर्ड पेटीएम वाला से कर सकते हैं। पेटीएम पे क्लिक किया मैंने, और पेटीएम के थ्रू आप मैं पे कर रहा हूँ। देखिए, पेटीएम के कंप्लीट योर पेमेंट का आ गया ऑप्शन है, होल्ड ऑन बोला है, क्योंकि ये डायरेक्ट पेमेंट ऐसे नहीं काटता है, ये सीधा IRCT के अकाउंट पे जाता है। IRCT अकाउंट जो है इसको टिकट बना के देता है। पेटीएम ओनली पैसा काटते हैं, आप जो टिकट बनाता है वो IRCTC बनाता है, और ये जो है पेटीएम वाले, ये क्या है, मनी ओनली विड्रॉ करते हैं IRCTC, और IRCTC को सौंप जाते हैं। इसका कुछ पैसा ये खुद ले लेते हैं, ताकि जो टिकट बुकिंग किया है उसका पैसा मिल जाए। तो इसके बाद क्या होता है, IRCT में लॉगिन करना पड़ेगा, और मैंने देखिए IRCTC में लॉगिन कर दिया है, यूज़र आईडी डाल दिया है। इसके बाद मैं अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो ये पासवर्ड जो मैंने कुछ हाइड करके रखा है फॉर सिक्योरिटी पर्पज, तो ये आप अपना पासवर्ड जो भी है वो डाल लीजिए। और हाँ, कि ये कैसे IRCTC का अकाउंट बनता है, फिर कभी आपकी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और कभी भी आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस टाइम आपको ये वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद क्या होता है, आगे देखिए कैप्चा कोड इसमें डाल करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये देखिए आगे का इंटरफेस किस तरह से खुलेगा। ये देखिए बुकिंग आईडी सब कुछ दिखा दिया है, टिकट, और आपको टिकट चाहिए तो इसके बाद टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए सेम है या इतने टाइम पे जा रही है, कितना चार्जेज है, सब कुछ दिखाई देगा। और यदि आपको टिकट चाहिए तो डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे करते ही टिकट आपको PDF में ओपन करेंगे। PDF में जैसे ओपन करेंगे, ये PDF की ई आई टिकट इसकी बन गई है, सॉरी ई टिकट इसकी बन गई है, और इस ई टिकट के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि अभी वेटिंग है, आपको कंफर्म होने पे ही आपको ये टिकट में ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाइयों, इस वीडियो को देखकर आपको कितना खुशी हुई होगी, आप अपनी भी टिकट खुद कर सकते हैं, दूसरों की खुद कर सकते हैं, और इस तरह से अपनी टिकट को किसी बिना स्टेशन पे जाए ही कंफर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जो टिकट है एक किया है, इसका वेटिंग 79 दिखा रहा है, और इसका जो कंफर्म होने के चांसेस है वो भी बता सकता है कि होगा या नहीं होगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, और इस तरह बने रहिए मेरे चैनल पर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।